फिल्म इंडस्ट्रीज के कई ऐसे स्टार किड्स हैं जो आजकल खूब नाम कमा रहे हैं। सभी न्यू कमर्स अपनी एक्टर फैमिलीज के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और बड़े से बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बैनर के अंदर बॉलीवुड में अपना डेब्यू भी कर रहे हैं। जितने स्टार किड्स ने अभी तक बॉलीवुड पर कदम रखा है वे काफी मेहनती और डेडिकेटेड हैं। जब बात स्टार किड्स की हो तो याद आते हैं कुछ मशहूर नाम, जैसे सैफ की बेटी सारा अली खान, सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी, श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर, जिन्होंने कुछ समय पहले ही बॉलीवुड में डेब्यू कर कई हिट मूवीज भी दी हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि ये स्टार किड्स के भाई बहनों ने भी इनके ही रास्ते पर चलने का फैसला किया है। आइए आपको बताते हैं कि अब किस कलाकार के बच्चे और भाई बहन करने जा रहे हैं बॉलीवुड पर डेब्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं खुशी कपूर की। श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर ने तो बॉलीवुड में जमकर अपनी पकड़ बना ली है और अब उनकी छोटी बहन खुशी कपूर भी फिल्मी दुनिया में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि सोशल मीडिया पर खुशी कपूर की फैन फॉलोइंग आसमान छू रही है, साथ ही वे कंटिन्यू अपने फैंस के बीच अपनी एक्सक्लूसिव फोटो शेयर करती रहती है। खुशी भी एक्टिंग में हाथ जमाते हुए नजर आएंगी, उस बात की जानकारी उनके पापा बोनी कपूर ने दी थी। उन्होंने ये भी बताया था कि शायद करण जौहर उन्हें लॉन्च करेंगे। अब आपको बताते हैं अगले नए चेहरे के बारे में जो आते हैं बॉलीवुड के जाने माने खानदान से। हिंदी सिनेमा में सालों से जिस पीढ़ी ने काम किया है वो है कपूर खानदान, और कपूर खानदान की एक और नई पीढ़ी अब बॉलीवुड में एंट्री मारने जा रही है, जिसका नाम है जहान कपूर। बता दें कि जहान कपूर दिग्गज कलाकार शशि कपूर के पोते हैं। बताया जा रहा है कि जहान हंसल मेहता की फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार हैं और ये फिल्म ऑनलाइन रिलीज होगी। अब आपको रूबरू कराते हैं अहान शेट्टी से। बॉलीवुड में सुनील शेट्टी के कामयाब सफर के बाद उनकी बेटी आथिया शेट्टी ने फिल्म हीरो से बॉलीवुड पर कदम रखा था। अब आथिया के भाई अहान शेट्टी भी तड़प नाम की मूवी से डेब्यू करने वाले हैं। अहान मिलन लुथरिया की फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखेंगे। बता दें कि अहान की तड़प तेलुगु फिल्म RX100 की रिमेक है और फिल्म में तारा सुतारिया भी हैं। इसके बाद सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी आशिकी 3 में भी दिखाई देंगे। अब आते हैं अपने गुड लुक्स के कारण हर तरफ सुर्खियों में छाए इब्राहिम अली खान पर। कुछ समय पहले ही सैफ और अमृता की बेटी सारा अली खान ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी और अब सारा के भाई इब्राहिम खान भी तैयार हैं फिल्म इंडस्ट्री में छा जाने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि इब्राहिम खान अभी करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में अपने बेटे के फ्यूचर और करियर के बारे में बात करते हुए कहा था कि हाँ, इब्राहिम फिल्मों में कदम रख सकते हैं। तो ये थे बॉलीवुड में आने वाले कुछ नए चेहरे। PCP 24, नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।